वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। बेटा, हम अपना चैप्टर नंबर 6 रीड कर रहे थे, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, और हम इसमें कल बात कर रहे थे मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड की। ठीक है, काफी टॉपिक हम पढ़ चुके थे कि लैंड रिकॉर्ड, गांव के एरिया में लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना एक पटवारी का काम होता है, और पटवारी के काम का निरीक्षण भी पटवारी से जो ऊपर ऑफिसर्स हैं लाइक तहसीलदार, वो इसे देखते हैं। जिले का सबसे बड़ा जो ऑफिसर है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ये मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फिर हम एक डॉटर विश, एक डॉटर, एक बेटी की क्या विश है, एक पोयम दी है आपकी बुक में, उसको पढ़ेंगे। आ न्यू लॉ, और एक हम नए कानून के बारे में पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग पहले क्या था कि यदि कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती थी तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके बेटों में बढ़ जाती थी, लेकिन अब एक नया एक्ट पास हुआ, हिंदू सबसेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसके अकॉर्डिंग यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके सभी बच्चों में, चाहे वो बेटे हों या बेटियां हों, उसके सभी बच्चों में और उसकी वाइफ में बराबर बराबर डिवाइड होती है। तो चलिए हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं। The patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. You know, the patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmer. Ki patwari hi responsible hota hai kiske liye? Collection of land revenue. कि वो जमीन से कर, जमीन का कर इकट्ठा करे, फ्रॉम द फार्मर्स, किसानों से, एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे गवर्नमेंट को अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया, कि उसके एरिया में कौन कौन सी फसलों को उगाया गया है। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर कैप्ट। ये सब किसके द्वारा होता है? उसके रिकॉर्ड के द्वारा, जो वो एक रिकॉर्ड बनाकर रखता है। एंड दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पटवारी, इसलिए ये पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट है टू रेगुलरली अपडेट दिस, कि वो समय समय पर इसे अपडेट करता रहे, मतलब इसमें जो भी जमीन में नए नए चेंजेस हुए हैं उन्हें करता रहे। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड, और समवन में डिग अ वेल समवेयर, जैसे कभी कभी किसान जो फसल खेतों में उगाते हैं उसे बदल देते हैं, कोई और फसल उगाने लगते हैं, या कभी कभी वो कहीं पर एक कुआं भी खोद लेते हैं। ठीक है, तो पटवारी को सब कुछ अपने रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन कर रखना चाहिए। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज अ वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सब, इन सब का हिसाब रखना और सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो पूरे के पूरे कर का हिसाब रखता है। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट, और जो इस डिपार्टमेंट के सीनियर पीपल हैं, सीनियर पीपल समझ रहे हैं ना, इस डिपार्टमेंट के जो सीनियर पीपल होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं, पूरा का पूरा निरीक्षण करते हैं पटवारी के काम का। ऑल द स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, भारत के जितने भी राज्य हैं वो सब जिलों में बटे हुए हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर रिलेटेड टू लैंड, और जमीन से रिलेटेड मैटर्स को लेकर, द डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, डिस्ट्रिक्ट्स को फिर छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। दीज सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज डिफरेंट नेम सच एज तहसील, तालुका, एक्सेट्रा। These subdivision, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं डिस्ट्रिक्ट के, जिलों के, are known by the different name, इन्हें हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, सच एज तहसील, जैसे कि तहसील, तालुका, एक्सेट्रा। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर, ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। कह रहे हैं एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसका जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि जिला अधिकारी होता है, एंड अंडर हर
आर द रेवेन्यू ऑफिसर, और उसके नीचे रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, मीन्स जो कर कलेक्ट कर का काम देखते हैं, ऑल्सो नोन एज तहसीलदार, जिन्हें तहसीलदार कहा जाता है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, वो जमीन से संबंधित झगड़ों को सुनते हैं। दे हैव ऑल्सो टू हियर डिस्प्यूट, जमीन से संबंधित झगड़ों को सुनते हैं। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी एंड इंश्योर दैट द रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली कैप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, और उसके साथ साथ वो सुपरवाइज करते हैं, निरीक्षण करते हैं द वर्क ऑफ पटवारी, पटवारी के काम का, कि पटवारी ने अपना काम ठीक से किया या नहीं, क्या पटवारी लैंड रिकॉर्ड सही से बना रहा है या नहीं, कर को ढंग से कलेक्ट कर रहा है या नहीं, एंड द लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, जितना भी वो जमीन से कर कलेक्ट करता है उसे भी देखता है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, और वो ये भी देखते हैं, ये भी आश्वस्त होते हैं कि जो किसान है वो अपने लैंड रिकॉर्ड की कॉपी इजीली प्राप्त कर पाए अपने रिकॉर्ड की। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जब उन्हें जरूरत पड़ती है किसी कास्ट सर्टिफिकेट की, तो उन्हें वो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी प्रदान करते हैं। कौन? तहसीलदार। द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हियर, तहसीलदार का जो ऑफिस है ये वो जगह होती है जहां पर जमीन से संबंधित झगड़ों को सुना जाता है। देखिए नीचे एक आपका एक डॉटर की विश दे रखी है, क्या है इस डॉटर की विश? एक बेटी की विश, एक बेटी की क्या इच्छा होती है? फादर इनहेरिटेटेड अवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू माय ब्रदर, कह रहे हैं कि इनहेरिटेटेड, जो विरासत में यह मिला घर मेरे पिता को उनके पिता से मिला है, और हर कोई ये कहता है, एंड एवरीवन सेज, हर कोई ये कहता है कि वो इसे मेरे भाइयों के लिए छोड़ देंगे। बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर, लेकिन मेरा और मेरी माँ का क्या होगा, कि हमारा क्या होगा? इट इज नॉट वेरी वुमनली आई एम टोल्ड, बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑन माई आउन, नॉट डॉरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड, कह रहे इट इज नॉट वेरी वुमनली, कि कोई ये मतलब एक औरतों वाली बात नहीं है जो मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं तो रियली में वास्तव में अपना एक घर चाहती हूँ, अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती हूँ, मुझे कोई डॉरी, कोई दहेज नहीं चाहिए, ना ही दहेज में कोई सोना या कोई रेशम, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर देखिए बेटा एक कॉलम और दे रखा है, ये येल्लो कलर का, इसमें देखिए, फार्मर ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड टूगेदर विद अ मैप एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल। ठीक है, किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं इसके लिए, उन्हें कुछ अपना प्रीवियस इलस्ट्रेशन, कुछ पिछला एग्जाम्पल दिखाना होता है। दे हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन, उन्हें अधिकार है इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने का। दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी ऑफ दिस फॉर दिस, इसके लिए उन्हें एक छोटी सी फी सबमिट करनी होती है। However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get it. कभी कभी क्या होता है, ये information उन्हें easily प्राप्त नहीं हो पाती, और कई बार किसानों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन information को प्राप्त करने के लिए। In some states, कुछ states में records are how being कंप्यूटराइज्ड, अब ये जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, एंड ऑल्सो कैप्ट एट द पंचायत ऑफिस, ये पंचायत ऑफिस में भी रखे गए हैं, सो दैट दे मोर इजिली अवेलेबल एंड रेगुलरली अपडेट, ताकि वो इसे इजिली प्राप्त कर सके और उन्हें अपडेट करते रहें। वेन डू यू थिंक द फार्मर मे रिक्वायर अ कॉपी ऑफ दिस रिकॉर्ड, आपको क्यों लगता है, वेन डू यू थिंक, आप ये कब सोचते हैं कि किसानों को क्यों जरूरत पड़ती होगी इस लैंड रिकॉर्ड की कॉपी की? स्टडिंग द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द केस इन विच रिकॉर्ड्स वुड हैव बीन नेसेसरी एंड व्हाई, कह रहे हैं कि आप इस पूरी सिचुएशन को पढ़िए कि फिर आपको पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड उनके लिए क्यों नेसेसरी होते हैं। अ फार्मर वॉन्ट्स टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर, एक किसान जब दूसरे किसान की जमीन को खरीदना चाहता है तो वो देखेगा उसको लैंड रिकॉर्ड चाहिए। A farmer wants to sell
हर प्रोड्यूस टू अनदर, जब एक किसान अपनी फसल को दूसरे को बेचना चाहेगा तब। अ फार्मर वॉन्ट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड, यदि किसान एक कुआं खोदना चाहे तब। अ फार्मर वॉन्ट्स टू परचेज फर्टिलाइजर फॉर हिज लैंड, और यदि किसान एक फर्टिलाइजर मतलब उसे उर्वरकों की आवश्यकता हो। अ फार्मर वॉन्ट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन, और जब किसी एक किसान को अपनी जमीन को अपने बच्चों के बीच में डिवाइड करना हो तो भी उसे इस लैंड रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। देखिए बेटा, एक ये पेज दे रखा था हमारे 52 नंबर पेज पर, ये एक येलो पेज है। ये क्या दिखा रखा है बेटा, खसरा 5, मतलब पटवारी जो रिकॉर्ड रखता है ना, पटवारी की बुक का जो पेज है जिसे हम खसरा कहते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, नंबर 1, 2, 3, एरिया इन हेक्टर, कितनी कितनी ज़मीन है किसी के पास, उस ज़मीन का ऑनर मालिक कौन है, ठीक है, उसके पिता का क्या नाम है या उसके हस्बैंड का क्या नाम है, ये नाम दे रखे हैं, ठीक है। क्या उन्होंने ये ज़मीन, इफ़ इट इज़ रेंटेड टू सम अदर फार्मर, क्या उन्होंने ये ज़मीन किसी दूसरे को रेंट पर दे रखी है। क्रॉप ग्रोन्स, कौन कौन सी वो फसलें उगाते हैं, कितना कितने एरिया पर उगा रखी है, दूसरी फसल कौन सी उगाई है, और कितनी एरिया नॉट कल्टिवेटेड फॉलोड लैंड, और कितनी ज़मीन उन्होंने छोड़ दी है खाली, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है उनके खेतों में। तो हमने पढ़ा जो नंबर 1 है वो मोहन सन ऑफ राजा राम का खेत है, कौन सा गांव है ये, अमरपुरा का। सेकंड जो है वो रघुराम है, सन ऑफ रतनलाल विलेज अमरपुर। और थर्ड जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ही ग्रास लैंड, एक घास का मैदान है। क्या इन्होंने किसी को रेंट पे दे रखी है, नो फिल किया हुआ है। क्रॉप ग्रोन, कौन कौन सी फसल उगाते हैं, मोहन सोयाबीन उगाता है और रघु सोयाबीन और वीट दोनों उगा रहा है। कितने एरिया पर उगा रहा है, वो 0.75, इसका खेत भी 0.75 का है, मतलब टोटल ज़मीन पर, लेकिन ये सिर्फ 2.75 पर उगा रहा है 3 में से, और 1.75 पर ये दूसरी उगाता है, और 2.5 इसने खाली भी छोड़ी है, ठीक है। और अदर फैसिलिटी क्या है, एक कुआं है वर्किंग जो कि काम कर रहा है, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में भी एक कुआं है जो कि काम कर रहा है, और ग्रेजिंग यहाँ पर जो है जानवर जो है वो चरते भी हैं, ठीक है। अब इस खसरे के आधार पर हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती हैं, जैसे कि हु ऑन द लैंड ऑफ द साउथ ऑफ मोहन फील्ड, मोहन के साउथ में किसकी फील्ड, किसका खेत है, किसका फील्ड है, जैसे कि ये नक्शा दे रखा है, ये तो खसरा था ये नक्शा। अब नक्शा नंबर 1 मोहन का था और 2 रघु का था, तो मोहन के साउथ में रघु का खेत हो गया। मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन मोहन एंड रघु, मोहन और रघु के बीच की कॉमन बाउंड्री ये हो गई। हु कैन यूज द फील्ड नंबर 3, फील्ड नंबर 3 कौन यूज कर रहा है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यूज कर रही है। व्हाट इंफॉर्मेशन कैन गेट फॉर फील्ड नंबर 2 एंड अदर फील्ड नंबर एंड फील्ड नंबर 3, ये फील्ड नंबर 2 और फील्ड नंबर 3, यानी कि रघु का खेत और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये कौन कौन सी फसल को उगा रखे हैं, क्या इन्होंने रेंट पे दिया है या नहीं, यहाँ एक कुआं है काम कर रहा है, यहाँ भी एक कुआं है और काम कर रहा है, यहाँ पे पशु भी चरते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पटवारी के बनाए हुए खसरे से और पटवारी के नक्शे से प्राप्त होती है। ये साइन दे रखे हैं, जैसे कि ये बाउंड्री का साइन है, ये खेतों की बाउंड्री है। वेल, ये देखिए ये कुएं का साइन है, ये देखो ये कुआं बना हुआ है रघु के खेत में, ये ग्रेजिंग में, ये ग्रास लैंड है, ये कच्चा रोड जा रहा है और ये पक्का रोड जा रहा है, और ये पेड़ है, जहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ पर पेड़ का भी पिक्चर बना हुआ है, ठीक है बेटा। अ न्यू लॉ, एक नया कानून, हिंदू सशक्षण अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। ऑफन वी थिंक ऑफ फार्मर हु ओन लैंड, ऑफन मीन्स अक्सर, अक्सर हम सोचते हैं जो किसान जिनके पास अपनी ज़मीन है, वी थिंक ऑफ मैन, तो हमारे जो माइंड में एक छवि आती है वो मैन की होती है। वुमेन आर सीन एज अ पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड, और जो वुमेन्स हैं उन्हें हम सिर्फ एक ऐसे लोगों के रूप में देखते हैं जो सिर्फ खेतों में मदद करवाती हैं, मीन्स एक मजदूर के रूप में, बट नॉट एज अ पीपल, हम उन्हें इस रूप में नहीं देख पाते हु ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, जिनके पास अपनी खेती वाली जमीन हो। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट, भारत के कुछ राज्यों में हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड। इन रिसेंटली इन सम स्टेट ऑफ
इन सम स्टेट। अभी जो भारत के कुछ राज्य हैं, हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन हिज फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड। वो अपनी परिवार की जो खेती हर जमीन है उनमें उन्हें कोई शेयर, कोई हिस्सा नहीं मिलता। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, पिता की मृत्यु के बाद, हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज सन्स। जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है वो उनके बेटों के बीच बराबर ही बराबर बांट दी जाती है। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज, लेकिन अभी ये जो कानून है वो चेंज हो गया है। इन द न्यू लॉज, नए कानून के अनुसार, डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड। अब रिसेंटली जो नया कानून बना है, जो हिंदू सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में पास हुआ, उसके अकॉर्डिंग कानून चेंज हो गया है। इस नए कानून के अनुसार बेटे, बेटियां और उनकी माँ को पिता की प्रॉपर्टी में या जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। द सम लॉ विल अप्लाई टू ऑल द स्टेट, सेम लॉ, ये सेम कानून सभी राज्यों में लागू होता है, एंड द यूनियन टेरिटरीज, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में भी। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। इस कानून बनने से भारत की बहुत सारी महिलाओं को बहुत अधिक फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। जैसे कि जो सुधा, एक एग्जाम्पल दिया है सुधा, जो कि एक एग्रीकल्चरल फैमिली, मतलब एक ऐसी फैमिली जिसके पास अपनी एग्रीकल्चरल जमीन है, उसमें सबसे बड़ी बेटी है। शी इज मैरिड, वो मैरिड है, शादी हो चुकी है, एंड लिव्स इन नेबरिंग विलेज, और वो पास के ही गांव में रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ, और अपने पिता की मृत्यु के बाद, सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फ्रेमिंग वर्क। सुधा अक्सर आती है अपने माँ की खेतों में मदद कराने के लिए, फार्मिंग वर्क, खेतों में जो भी काम होता है उसकी मदद कराने के लिए। हर मदर हैज आस्क द पटवारी, उसकी माँ ने भी पटवारी से कहा है, टू ट्रांसफर द लैंड, कि वो जमीन को ट्रांसफर कर दे, एंड एंटर हर नेम अलोंग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। मतलब उसने पटवारी से कहा है कि वो अपनी सभी बेटों के साथ, सभी बच्चों के साथ, उसकी बड़ी बेटी जो सुधा है, जिसका विवाह हो चुका है, उसका भी नाम एंटर करे। सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सुधा की जो माँ है वो बड़े आत्मविश्वास के साथ खेती का काम करती है अपने छोटे बेटे और बेटी की मदद से। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स विद एश्योरेंस दैट इफ शी एवर हैज अ प्रॉब्लम दैट शी कैन डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ लैंड। और सुधा को भी इस चीज की निश्चितता है, वो अश्योर है कि जब भी वो किसी मुसीबत में होगी, शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ लैंड, तो वो भी अपनी जमीन के उस टुकड़े पर निर्भर रह सकती है। अदर पब्लिक सर्वे, एक और पब्लिक सर्वे दे रखा है, एक सार्वजनिक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज, अ सर्वे, उनका एक सर्वे दिया है यहाँ पर। दिस चैप्टर हैज लुक्ड एट सम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हमने गवर्नमेंट के कुछ प्रशासनिक कामों के बारे में देखा, स्पेशली फॉर रूरल एरियाज, ज्यादातर गांव के एरिया में। द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू द मेंटेनिंग लॉ, पहला एग्जाम्पल था उसमें लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, एंड द सेकेंड टू मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड, और सेकेंड जो था वो लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन कर रखना। इन द फर्स्ट केस, पहले केस में हमने वी एग्जामिन्ड, हमने एग्जामिन किया द रोल ऑफ द पुलिस, कि पुलिस का क्या काम है, एंड इन द सेकेंड डेट ऑफ द पटवारी, और सेकेंड में हमने पटवारी के रोल के बारे में पढ़ा। दिस वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय द अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट, और इस सारे के सारे काम का जो निरीक्षण है वो डिपार्टमेंट के दूसरे लोग करते हैं, सच एज तहसीलदार एज और द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, जैसे कि तहसीलदार और SP। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज दिस सर्विसेज एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट दे फेस, और हमने ये भी देखा कि लोग किस प्रकार इन सेवाओं का प्रयोग करते हैं जब वो प्रॉब्लम में होते हैं। दीज सर्विसेज हैव टू बी यूज टू मेड द फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट हैव बीन फ्रेम्ड फॉर देम। आगे देखिए बेटा, इसमें दीज सर्विसेज हैव बीन यूज, कि इन सर्विसेज का वो यूज कर सकते हैं, किस तरीके से वो इन सर्विसेज, इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं जब भी उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है।
They probably sees the other public services facilities providing the various department of the government कि government के अलग अलग विभागों ने जो ने सार्वजनिक सेवाएं दी हैं वो उन्हें किस प्रकार यूज करते हैं. List the public services in the village area such as the milk society, the fair price shop. हमने एक public services की अपने गांव में जो जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं उनकी list prepare की है, जैसे कि milk society. Milk society क्या होती है? दुग्ध उत्पादक समिति. द फेयर प्राइस शॉप. फेयर प्राइस शॉप मतलब जहां पर सही कीमत में हमें सामान मिले, मीन्स राशन की दुकान. द बैंक. द पुलिस स्टेशन. द एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर सीड, जैसे कि खेती के लिए बीज की दुकान है. फर्टिलाइजर्स, उर्वरक की दुकान है. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जिनसे हम खेतों की जो प्रोडक्शन है ना उसको बढ़ा सकते हैं. ठीक है. द पोस्ट ऑफिस एंड द सब पोस्ट ऑफिस. द आंगनवाड़ीज, क्रच, गवर्नमेंट स्कूल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सब बेटा पब्लिक सर्विसेज हैं. तो हम इन सब के बारे में कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑन द थ्री पब्लिक सर्विसेज एंड डिस्कस टू योर टीचर, या आप टीचर्स या अपने घर में आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं. इन तीन पब्लिक सर्विसेज जो भी आपके गांव में अवेलेबल हो उनके बारे में आप बातचीत कीजिए अपने पेरेंट्स से और देखिए कि ये सब किस प्रकार काम कर रहे हैं. ठीक है बेटा, यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है. क्वेश्चन हम इसके कल करेंगे. ओके.